सो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फाइनली रॉकस्टार वर्ल्ड ने GTA 6 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे रूमर्स आए थे, ट्वीट्स आए थे, सोशल मीडिया पोस्ट भी आए थे कि GTA 6 कब आएगा। गली का चिंटू, जिसने कभी YCD नहीं खेला था, उसने अपना खुद का ट्रेलर बना के लॉन्च कर दिया था। इसीलिए वजह से रॉकस्टार वर्ल्ड को डर लग गया ये गेम ना बना दे, इसलिए उन्होंने GTA 6 का ट्रेलर टाइम से पहले ही लॉन्च कर दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। GTA 6 का ट्रेलर किसी ने पहले ही लीक कर दिया था ट्विटर पे, इसलिए रॉकस्टार वर्ल्ड को टाइम से पहले अपना ट्रेलर लॉन्च करना पड़ा। तो GTA 6 की ट्रेलर तो लॉन्च हो चुकी है, बट इससे पहले वाला जो गेम था GTA 5, उसके बारे में बात करें तो वो 10 साल पहले आया था। जी हाँ, 10 साल पहले आके उसने इतने रिकॉर्ड तोड़े थे। तो रिकॉर्ड बारे में बताता हूँ, उन्होंने बेस्ट सेलिंग गेम एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम इन 24 आवर्स, बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम 24 आवर्स, फास्टेस्ट अचीवमेंट प्रॉपर्टी टू ग्रॉस 1 बिलियन, फास्टेस्ट वीडियो गेम टू ग्रॉस 1 बिलियन, हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीडियो गेम इन 24 आवर्स, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड बाय एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट इन 24 आवर्स, और मोस्ट व्यू ट्रेलर फॉर एक्शन एडवेंचर गेम। तब का वो मोस्ट व्यू ट्रेलर था। अभी की बात करें तो अभी चाहे GTA 6 आ सकता है उस रिकॉर्ड में, और फिर हाईएस्ट रेवेन्यू की बात करें तो अभी तक तो उसका हाईएस्ट रेवेन्यू जो बना है वो है $8 बिलियन का। $8 बिलियन इंडियन करेंसी में कितने होते हैं वो तो मैं भी नहीं जानता, आपको बता देता हूँ, कमेंट में बता देना। और अगर GTA 6 की एस्टिमेट अर्निंग की जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया रॉकस्टार ने वो बात करें तो वो उन्होंने बोला है एक साल में उनको 2 बिलियन कमाने, 2 से 8 बिलियन उन्होंने एस्टिमेट रखे हैं, और 2 बिलियन उन्होंने खर्च किए इस गेम के मेकिंग में। अब सोचो जो गेम बनने के लिए 10 से 12 साल लगे, 12 साल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यूएस में इंडिया में आने से 2 साल पहले ही वो गेम लॉन्च हो चुकी थी। अब 12 साल जो गेम बनाने में लगी है, सोचो से ग्राफिक्स कितने हाई एंड वाले रहेंगे। ट्रेलर में इतना सब डिटेल्स दिखा रहे हैं, मतलब ये गेम लॉन्च होने वाला है 2025 में, बट सिर्फ Xbox Series X, S और PlayStation के लिए। PlayStation में भी ये गेम लॉन्च होगा PS5 के लिए, PS4 वाले के लिए नहीं होगा। PS4 वालों आप GTA 5 में खुश रहना, ये स्कीम आपके लिए नहीं है, आप थोड़ा साइड पे सर जाइए। अब बात करते हैं कि PS और Xbox के लिए क्यों लॉन्च होगा। PC के लिए ये गेम लॉन्च करेंगे वो लोग 2026 में। इसका कारण ये है कि लास्ट टाइम जब GTA 5 आया था तो काफी तुरंत 2-3 दिन में उसका क्रैक आ गया था। ये क्रैक्स ना हो उनके वैल्यूएशन में थोड़ा फर्क पड़ता है यार, तो इसीलिए वो लोग लॉन्च करने से पहले थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे पीएस के लिए। पीसी के लिए गेम जल्दी क्रैक हो जाते हैं या फिर जल्दी से लोग कुछ लोग मॉड कर देते हैं उसको, तो वो गेमिंग का मजा चला जाता है यार। तो यही कारण है 2000 इतना एक साल का गैप रखने के लिए पीसी और कंसोल्स के लिए। अब बात करते हैं ट्रेलर में है क्या, एक्चुअल गेम में है क्या। तो गेम के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक है लेडी कैरेक्टर और एक है जेंट्स कैरेक्टर। तो पहली बार GTA फ्रेंचाइजी की हिस्ट्री में एक लेडी कैरेक्टर को लीड रखा गया है। तो दोनों का नाम है, एक का नाम है लूसिया जो है हमें लेडी कैरेक्टर, एक का नाम है जेसन जो है हमारा मेल कैरेक्टर। तो अब बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे ग्राफिक्स दिए गए, आई मीन इसके अंदर के जो टेक्सचर्स है। जो नॉन एनपीसी प्लेयर्स की बात करें तो यार नॉन एनपीसी प्लेयर्स के हाथ में उन्होंने फोन दे के रखे, सबका अलग अलग इंटरेक्शन है, सबके अलग अलग बिहेवियर्स है। अब उसमें एक ऐप भी है जिसमें आप टिकटॉक, यार जो इंडिया में बैन है वो भी गेम में चले गए मालूम नहीं, बट टिकटॉक आप देख सकते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी हो इंडिया में अलग से चेंज करके भेज देंगे मोदी जी, वरना बैन कर देंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए। तो GTA 5 का जब 10-12 साल पहले ट्रेलर आया था तब उसमें जो ग्राफिक्स दिखाए थे उससे 10 गुना अच्छे ग्राफिक्स आज जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें दिखे जा रहे हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हैं इसमें जो ग्राफिक्स है, इसके ट्रेलर में जो ग्राफिक्स है, सोचो जब हम ये 4K 8K पे खेलेंगे तो क्या ग्राफिक्स दिखेगी, आई गॉड कंट्रोल नहीं हो रहा यार मुझसे अब, आई मीन। तो ऐसे देखेंगे तो ग्राफिक्स की जब बात करते हैं हम, रॉकस्टार इन्होंने 2018 में गेम लॉन्च किया था रेड डेड रिडेम्पशन 2, उससे कुछ रिजेम्बलेंस लिए उन्होंने ग्राफिक्स के, जैसे कि स्पीशीज हो सकते हैं या फिर उसमें जो टेक्सचर्स है, मड वाला एक सीन है ट्रेलर में तो उसमें भी देख सकते हो वो उन्होंने शायद से थोड़ा बहुत रेड डेड रिडेम्पशन से लिया गया है। उसमें जो एनिमल्स, उसमें जो फिशेस भी दिखाए गए तो वो फिशेस इसमें भी दिखाए गए। GTA 5 में इतने फिशेस दिखाई नहीं गए थे जो इतने इसमें दिखाए गए, तो एनिमल फिशेस हमें बहुत सारे देखने मिलेंगे जैसे। तो अब बात करते हैं इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में। चलिए, तो इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो कंसोल वाले प्लेयर्स है उनको सिस्टम रिक्वायरमेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। PS5 Xbox वाले तो डायरेक्टली प्लग करना या फिर CD इंसर्ट कर लेना, अपनी प्ले बटन दबाना और खेलना, आपके तो मजे ही मजे। बट जो PC प्लेयर्स है, 2026 वाली जो ऑडियंस है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ 2023 में ही आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या कहेगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पहले सुन लीजिए, आपकी मेमोरी होना चाहिए 12 GB रैम होना चाहिए आपका,
एनवीडिया GeForce GTX 1660 का ग्राफिक्स चाहिए आपको, इंटेल कोर i5 का आपका प्रोसेसर होना चाहिए, फिर फाइल साइज तो आपकी 150 GB जो गेमिंग साइज होने अभी बताई है वही होगी, बाद में वो जब अपडेट होती रहेगी तो वो थोड़ा बहुत बढ़ेगी 200 GB तक जाएगी, और विंडोज 10 तो मिनिमम ही। अब जो रिकमेंडेड जो GTX 6 ने जो रिकमेंड किया है या रॉक स्टार वाले ने जो रिकमेंड किया वो है 16 GB का आपका मेमोरी या फिर आपका रैम, फिर ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए GeForce RTX 3070 NVIDIA का, फिर Intel i7 और 150 GB आपका वही मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है जो आपका फाइल साइज रहेगा, और विंडोज 11। बट जाने से पहले एक और चीज बताऊंगा मैं, इस ट्रेलर में और एक बोनस कुछ सीन्स है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक GoPro वाला सीन है जो शायद से ये लोग ने कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ मिशन ऐसे है जो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी बनानी चाहिए, तो अब वो तो एक्चुअल गेम लॉन्च होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, तो बाद में जब हम लोग 2025 में गेम आएगा हम तो PS5 में खेलेंगे ही खेलेंगे, आपके लिए वीडियोस भी डालेंगे, तो उसके लिए अभी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मुझे तो लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। छोटू एक प्लेट GTA 6 लगा दे यार। अरे यार